ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाड़ा स्वागत है। सुनाम दे लोकां दीआं समस्यावां सुनण लई विधायक अमन अरोड़ा ने सेवा केंद्र की शुरुआत की है, जिस विच ओह लोकां दीआं प्रशासन नाल संबंधित समस्यावां सुनणगे। इस मौके एमपी भगवंत मान साधु सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके आप दे लीडरां ने कैप्टन सरकार ते भी खूब हमले किए। उन्होंने कहा कि पंजाब दी कांग्रेस सरकार हर मुद्दे ते फेल हो चुकी है। देखो, आम लोग ने, जिहड़े गरीब लोग ने, साडीआं बजुर्ग मावां ने, उन्होंने बेचारियां नूं जो छोटे छोटे रोज़मर्रा के काम ने, चाहे वह पेंशन दा, चाहे शगन स्कीम दा, चाहे लाल कापी बनाउण दा, चाहे नरेगा दे ने, चाहे छोटे कोई सर्टिफिकेट बनाउण दे ने, उन्हां नूं बहुत दिक्कतां मुश्किलां दा सामना करना पैंदा है। बहुत शोषण हुंदा उन्हां दा, दफ्तरां दे विच कई कई चक्कर मारने पैंदे उन्हां नूं, और जिहड़े दफ्तरां दे विच दलाली करन वाले और पैसे उन्हां तों खोहण वाले, वो जो प्रोसैस है वो बहुत दिक्कतों का लोगों आम लोगों को सामना करना पैंदा है। असी यह क्योंकि पिछले समय के सुनाम हल्के के लोगों ने मैनू बहुत वड्डा माण बख्शे, बहुत प्यार बख्शे। मैं आपकी नैतिक तौर पर जिम्मेवारी समझते हुए मैं एक सुविधा सेंटर सेवा केंद्र है जिहड़ा वो इत्थे आपके दफ्तर आपके घर विखे मैं चालू किए अज्ज, जिहदे विच प्रोसैस यह है कि साढ़े मेरे दफ्तर तो और साड़ी पार्टी की जिहड़ी टीम है वो हरेक पिंड दे विच, शहर दे विच अलग अलग थां ते जाके असी उन्हां दे फॉर्म भरिया करांगे, और उस तो बाद दा जिहड़ा प्रोसैस है वो सारे का सारा साडा जिहड़ा दफ्तर साडी पार्टी की टीम है वह इंप्लीमेंट करके उन्हूं, चाहे पटवारी तो रिपोर्ट करवानी, चाहे मैंबर पंचायत तो सरपंच तो रिपोर्ट करवानी, चाहे DSS तो, SDM तो, CDPO तो, जो रिपोर्टिंग का प्रोसैस है वो, ताकि आम लोगों नूं छोटे छोटे कम्मा पिछे रोजमर्रा धक्के ना खाने पैण। शिवसेना ने अमृतसर विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू कश्मीर दे वक्खवादियों नूं चेतावनी दित्ती है, जेकर उन्होंने अमरनाथ यात्रा विच विघन पाउण दी कोशिश कीती तां उह इट दा जवाब पत्थर नाल देणगे। उन्होंने कहा कि यह एक धार्मिक यात्रा है जिस विच लखां श्रद्धालु बाबा बर्फानी दे दर्शनां लई जांदे ने, इन्हां दी सुरक्षा लई सरकार नूं वी कदम चुकणे चाहीदे। मैं जयगोपाल लाली, प्रमुख उत्तरी भारत शिवसेना पंजाब, साढ़ी 28 तरीक तो जी अमरनाथ जी की यात्रा चालू हुई थी, असी सेंटर सरकार नूं पहला ही चेतावनी देती थी कि जे इस बार साड़ी यात्रा दे विच किसी किस्म का भी कोई विघन पाने की कोशिश की गई तो असी उदा मकूल जवाब देवांगे। जे सानू उत्थों दे कट्टरपंथियों ने पत्थर मारन की कोशिश की, साड़ी यात्रा विघन पाने की कोशिश की, तो असी अपनी यात्रा दे विच अपने जत्थे भेजांगे जिहड़े कि कंटीन्यूसली साढ़े 28 तरीक तो जा रहे हैं, और जिनी देर यात्रा चलेगी उन्नी देर साढ़े हथियारबंद जत्थे जाते रहेंगे। असी अपनी सैल्फ डिफेंस वाले हथियार नाल लैके जावांगे J&K च यात्रा दे, और रस्ते जे भी किसी किस्म का किसी ने विघन पाने की कोशिश की तो इट का जवाब गोली ना दिता जाएगा। ये साढ़े हथियार लसंसी है जी, गवर्नमेंट वालों ये साढ़े को लसंस है सरकारी, J&K की परमिशन है साढ़े को सरकार की, और लसंसी हथियार लैके जाएंगे। असी गैर कानूनी काम शिवसेना वाले कोई नहीं करते, अपनी आत्म रक्षा लई सैल्फ डिफेंस लई असी हथियार दिते गए, और जे असी सैल्फ डिफेंस लई हथियार नहीं चला सकते तो सानू हथियार रखने का कोई फायदा नहीं। फाजिलका के फिरोज़ शाह कॉलेज नज़दीक GT रोड उपर वापरे सड़क हादसे दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो मौके पर मौजूद लोगों मुताबिक एक आयशर कैंटर जो मोगा साइड तो फिरोजपुर वाल जा रहा है, जदों फिरोज़ शाह कॉलेज नज़दीक पुजा तो बेकाबू होकर सामने तो आ रहे मोटरसाइकिल नाल सीधा टकरा गया। जदों फिरोज़ शाह कॉलेज नज़दीक पुजा तो बेकाबू होकर सामने तो आ रहे मोटरसाइकिल नाल सीधा जा टकराया। टक्कर इन्नी भयानक सी कि मोटरसाइकिल सवार कैंटर दे नीचे बुरी तरह नाल कुचलिया गया, जिसनू घटना स्थान ते मौजूद लोगों वालों इलाज लई फिरोजपुर ले जाया गया, पर व्यक्ति ने सट्टां दी ताब ना सहारदे हुए रस्ते विच ही दम तोड़ दिता। ये घटना कल करीब करीब 2:30-3 बजे करीब हुई है। ये लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे रिश्तेदारी से, पीछे से पीली कलर की वैन थी, वैन ने ओवरटेक कराया, ओवरटेक करने के चक्कर में मतलब ये बाइक पड़ गई, बाइक पड़ने से मतलब इसकी मृत्यु हो गई हाथों हाथ। बाद में देखा लड़का उठा है, लड़का उठने के बाद में उसने देखा है कि दूर से देखा गाड़ी पीले कलर की है, वैन है, उसके बाद कोई पता नहीं चला क्या हुआ क्या। ते हम जान जान दे एक नजर हेडलाइंस ते। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिखाई खालिस्तानियों खिलाफ सख्ती, सिख फॉर जस्टिस के आगू खिलाफ देश द्रोह केस दर्ज, कई शहरों में लगाए सन इंडिपेंडेंस रेफरेंडम 2020 के पोस्टर।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਸੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 75 ਇੰਟੈਗਰਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।